तरफ जहां रूस यूक्रेन जंग चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तभी से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति के दुश्मनों की लिस्ट में नंबर वन पर बने हुए हैं। जब से दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी है तब से ज़ेलेंस्की रूस से अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिप कर रह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उनके मुताबिक वो इन दिनों रात में सिर्फ 2 ही घंटे सोते हैं और 3 से 4 दिन में एक बार ही बंकर से बाहर निकलते हैं। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के नागरिकों और अपने परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को लेकर ओलेना ज़ेलेंस्की ने चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी का कहना है कि उन्हें अपने पति की सलामती की चिंता सताती रहती है। ओलेना ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला बोला था और इसके बाद से लेकर अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बार उनके पति पर हत्या का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन वे किसी तरह से बचे हुए हैं। ज़ेलेंस्की की पत्नी ने कहा कि यूक्रेन की हर आम महिला की तरह मुझे भी अपने पति को लेकर हर पल डर लगा रहता है। हर सुबह अपने पति को फोन करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके आगे ओलेना ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे पति बेहद मजबूत और सहनशील हैं, फिर भी दुआ करती हूँ कि भगवान उन्हें अपने देशवासियों के हित में लड़ाई जीतने की हिम्मत दे। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी मीडिया को हाल ही में अपना पहला इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने बताया था कि वो रूस के सैनिकों का किस तरह से सामना कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपने देश में तबाही के एक से एक खौफनाक मंजर देखे और इसके बाद भी वहां रहने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के सैनिक यूक्रेन में हर जगह अपना डेरा डाल चुके हैं। पुतिन के सैनिक शहर शहर को तबाह कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि रूसी सैनिकों के ठिकाने से अब भी बाहर हैं और इन इलाकों में यूक्रेन के लोग रुके हुए हैं। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेने वाले स्वतंत्र पत्रकारों पर रूसी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूसी सेना का तांडव अब भी जारी है। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे ही सो पा रहे हैं। हर 3 से 4 दिन के बीच रूसी सेना से बचते बचाते ज़ेलेंस्की हालात का जायजा लेने के लिए बंकर से बाहर आते हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का परिवार भी रूसी खतरे से दूर यूक्रेन में ही किसी दूसरे बंकर में छिपा हुआ है। रूसी हमलावरों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी और बच्चों को भी जान का खतरा बताया जा रहा है। तो आपकी इस खबर पर क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।